हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल वैशाली कैंपस में। दोस्तों, रेलवे एलपी सीबीटी 2 का आपका स्कोर कार्ड आ गया है, साथ में आपका क्वेश्चन पेपर भी आपको शो कर रहा है जो फाइनली आंसर रेलवे ने क्या इंक्लूड किया था। तो इस वीडियो में हम एक डिटेल बात करेंगे कि आपका आंसर की में अभी भी बहुत चेंजिंग नहीं किया गया है, रेलवे द्वारा ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है और अभी भी बहुत स्टूडेंट का नॉर्मलाइजेशन भी नहीं किया गया है पार्ट ए एंड पार्ट बी में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए हम आपको एक एक डाउट क्लियर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इंक्वायरी थी आज कि अभी भी आंसर की में बहुत सारी गलती है जो रेलवे ने उसको डिलीट भी नहीं किया है और उसको कंसीडर करके आपका जो आंसर मतलब आपका जो नंबर आया है उसमें इंक्लूड कर लिया गया है। मतलब गलत है तो गलत ही रहने दिया है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। तो आंसर की में बहुत बड़ी गलती है पार्ट ए एंड पार्ट बी में और नॉर्मलाइजेशन भी नहीं किया गया है। सेम शिफ्ट का स्टूडेंट, किसी का नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो किसी का सेम रह गया है, प्रोरेटेड में सिर्फ कन्वर्ट करके उसको सेम आंसर मतलब जो टोटल स्कोर है आपका वो शो कर रहा है, उसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया है। ये प्रूफ के साथ हम दिखाते हैं। तो चलिए आपको, तो देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिसका 75 क्वेश्चन वो वैलिड थी, जिन्होंने मुझे खुद इनका मैंने चेक किया था जिसमें पार्ट बी में 4 क्वेश्चन गलत हैं, जिसको रेलवे को 3-2 का तो आंसर ही गलत रेलवे ने चॉइस किया है, जिसमें उसमें ऑप्शन भी है लेकिन वो गलत ऑप्शन मतलब चॉइस किया है, उसी को आंसर बनाया है। और 2-1 क्वेश्चन इनका पूरा ठीक तरह से अपीयर नहीं हो रहे थे या स्पेलिंग मिस्टेक कर सकते हैं, और दूसरा क्वेश्चन का 4 ऑप्शन सही है, उसको भी ये डिलीट नहीं किया गया है, उसको भी कंसिडर करके रेलवे चला है। अब बात करते हैं कि देखिए इसका रॉ मार्क्स था 20.33 और प्रोरेटेड में कन्वर्ट कर दिया गया और नॉर्मलाइजेशन में भी सेम मार्क्स रहा। मान सकते हैं कि अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो सारे शिफ्ट के स्टूडेंट को प्रोरेटेड में के बाद नॉर्मलाइजेशन में कोई चेंजिंग नहीं आती, लेकिन सेम शिफ्ट के स्टूडेंट का एक का कोई चेंजिंग नहीं आता है, किसी का 5 से 7 नंबर तक चेंजिंग आती है, किसी के 2 से 3 नंबर चेंजिंग आती है। सेम शिफ्ट बता रहा हूँ, मतलब इलेक्ट्रिकल का सेम शिफ्ट के ऐसे ऐसे कंडीशन आ रहे हैं मेरे पास कि किसी का चेंज हो रहे हैं, किसी का सेम है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूँ जिसके नॉर्मलाइजेशन होते हैं तो कुछ तो चेंज होती है। अगर मान के चलिए अगर एक्यूरेस इनके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा गलत हैं लेकिन पॉइंट में भी तो चेंजिंग होती थी, इसमें भी चेंज नहीं किया गया है। तो देख सकते हैं कि बहुत स्टूडेंट का भी नॉर्मलाइजेशन में भी चेंजिंग नहीं किया गया है। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को वायरल करें जिससे आपसे सभी को मालूम सके कि अभी भी रेलवे द्वारा गलती किया गया है। बहुत यूट्यूबर बता रहा है कि अब सही कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है, सही सिर्फ आपको जो प्रोरेटेड था उसको सही कर दिया गया है, नॉर्मलाइजेशन में अभी कोई चेंजिंग नहीं किया है पार्ट ए एंड बी दोनों में, बोथ में बता रहा हूँ। अभी भी बहुत सारी गलती है, नॉर्मलाइजेशन में भी पार्ट ए में भी अभी भी गलती है, क्वेश्चन वहाँ भी डिलीट नहीं किए गए हैं, बहुत सारे को क्वेश्चन डिलीट किए हैं और सेम शिफ्ट के स्टूडेंट का किसी के 5 क्वेश्चन इग्नोर किए गए हैं, डिलीट मतलब इसको कंसीडर नहीं किया गया, किसी को सारे क्वेश्चन को कंसीडर किया गया, ये कैसे हो सकता है, सेम शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप लोग कमेंट कीजिए और इस न्यूज़ को वायरल कीजिए ताकि सभी को मालूम हो सके, अपने व्हाट्सएप फेसबुक ट्विटर अकाउंट सभी पे शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ को वायरल बनाइए, नहीं तो ये भी ग्रुप डी के तरह आपके ये चला जाएगा। आपके पास टाइम बहुत कम है, जानते हैं कि 6 से पहले रिजल्ट आने के है और 16 उसका 10 दिन के बाद पीटी मतलब साइको का डेट दे दिया गया है, तो उससे पहले आपको जो भी कदम उठानी है उससे पहले, नहीं तो लेट हो जाएगी, फिर रेलवे कोई नहीं सुनेगा आपका बात। तो आपको 1 से 2 दिन में डिसाइड करनी है कि इस मुद्दे पर क्या किया जाए। तो आप लोगों से हम यही सपोर्ट कर सकते हैं कि आप लोग कमेंट कीजिए, वायरल कीजिए और आपके कमेंट को मैं फिर से सोशल मीडिया पे शेयर कर दूंगा, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, सभी जगह। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कम से कम आप इस पे 500 प्लस कमेंट और 500 प्लस लाइक ज़रूर कीजिए और हर बंदे अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट व्हाट्सएप पर शेयर करो ताकि न्यूज़ वायरल हो, सभी को मालूम हो सके।
तो चलिए, कोई भी अब अगर कमेंट डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट में आपसे फिर मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।